अभ्यास एक, गति 60 शब्द प्रति मिनट, मानक आशुलिपि, तीव्र गति अभ्यास, डिक्टेशन स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस विधेयक पर आजकल जो बहस हुई है उसमें हमने पूरा पूरा विरोध किया है और इस संबंध में अपने तर्क पेश किए हैं। सरकार ने हमारे किसी भी सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जहां तक इस कानून को अमल में लाने का संबंध है, केंद्रीय सरकार पूरे तौर पर राज्य सरकारों पर निर्भर है। मंत्री महोदय ने कहा है कि कई सूबों ने इस बारे में सहयोग देने का आश्वासन दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि कई सूबों ने इस कानून का बहुत सख्त विरोध भी किया है। उनका कहना है कि केंद्रीय सरकार को किसी भी तरह सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के संबंध में अपने अधिकार को प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पैरा इस सुझाव को पेश करने में मेरा खास मकसद यह है कि अगर सरकार ने इस विधेयक को अमल में लाना ही है तो फिर यह विधेयक पूरे देश में एक साथ अमल में आए और यह तमाम सहकारी बैंकों या सहकारी संस्थाओं पर एक साथ लागू हो, वरना जिस सूबे की सरकार यह मान लेती है कि इस विधेयक को वहां पर अमल में लाया जाए, वहां की सहकारी बैंकों को प्रीमियम देना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि यह नया बोझ उस सूबे के बैंकों पर नहीं पड़ेगा जिसकी सरकार इस विधेयक को मानने से इनकार करती है। पैरा, मेरे इस सुझाव को स्वीकार करने का यह भी लाभ होगा कि अगर केंद्रीय सरकार यह चाहती है कि इस कानून को किसी भी हालत में अमल में लाना चाहिए और सहकारी बैंकों में पैसा रखने वाले लोगों को तत्काल कानून का संरक्षण देना चाहिए, तो उस पर भी यह बंधन रहेगा कि चूंकि उसने इस विधेयक को
एक साल में अमल में लाना है, इसलिए यह जल्दबाजी करके इस विधेयक को पूरे देश पर एक साथ अमल में ला पाएगी। पूर्ण विराम।